कांग्रेस मुख्यालय और कांग्रेस मुख्यालय के अंदर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज लेकर यहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वैसे भी कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग ईडी दफ्तर जाने वाले हैं सोनिया गांधी के साथ, और किस तरह से उनके समर्थन में खड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से समर्थन में आप लोग खड़े हैं। पूरे कांग्रेस जन, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया जी के साथ खड़े हैं। जैसे हमारे भाई भी नारे लगा रहे हैं, ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। ये सेकुलर देश नहीं रहेगी अब बिल्कुल, जिसको जो सेकुलर आवाज है, जो सबका आवाज उठाने वाली है कांग्रेस पार्टी है, उसी पे ईडी का दबाव बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के कई सारे मंत्रियों का कहना है कि आखिर कांग्रेस और सोनिया गांधी, राहुल गांधी डर क्यों रहे, जांच हो जाने दीजिए। देखिए, सोनिया जी ने पहले भी कहा है कि वो इंदिरा जी की बहू हैं और किसी से नहीं डरती हैं। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता और कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, लेकिन हाँ, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उस गलत का जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब हमने पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से दिया था, आज भी दे रहे हैं। हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और अपने नेता के साथ खड़े हैं। जो हमें आदेश मिलेगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। पुलिस ने धारा 144 लगाई, कैसे जाएंगे आप लोग वहां तक? देखिए, धारा 144 जो पुलिस ने लगाई है किस वजह से लगाई है, क्यों लगाई है? हम अपने ऑफिस में खड़े हैं, हम रात भर से यहाँ पर हैं। हमारे आदरणीय चेयरमैन सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी के आदेश पर पूरे माइनॉरिटी के नेशनल ऑफिस बेरर यहाँ खड़े हुए हैं। हम शांतिपूर्ण यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग करा जा रहा है, हमारे अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ इस तरीके का काम करा जा रहा है ईडी के माध्यम से, देश का जो माहौल ख़राब करा जा रहा है उसके खिलाफ हम शांतिपूर्ण अपनी बात रख रहे हैं, और आगे भी हम इसी तरीके से सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात रखेंगे। जाएंगे ईडी दफ्तर सोनिया जी के समर्थन? हाँ, हमारे नेता को लेके जाएंगे वहाँ। वहाँ हर कार्यकर्ता सोनिया जी के साथ कदम से कदम मिला के, राहुल जी के साथ, जनाब इमरान प्रताप गढ़ी के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। देख सकते हैं तमाम बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ता जो यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, और ये सभी सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था कांग्रेस दफ्तर के बाहर हो, और इसके साथ साथ ईडी दफ्तर के बाहर हो, सोनिया गांधी के घर के बाहर हो, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24 दिल्ली।